بل الذين كفروا في تكذيب محيط في لوح محفوظ آمنت بالله صدق الله العظيم। गाजीपुर में आज जिला होम्योपैथिक अधिकारी गाजीपुर व क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर आनंद विद्यार्थी के निर्देश में मदरसाए चश्मे रहमत ओरिएंटल कॉलेज गाजीपुर, मदरसाए अजमिया इस्लामिया गाजीपुर, मदरसाए मोहसिनुल उलूम सकलेनाबाद, मदरसाए दारुल उलूम दायरा शाह अहमद टेढ़ी बाजार गाजीपुर में योग दिवस के अवसर पर पूर्वाभ्यास कराने का काम किया गया। मास्टर ट्रेनर धीरज राय व सैयद सलमान हैदर द्वारा योग प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लगभग 1000 लाभार्थियों को प्रोटोकॉल के अनुसार योग निवारण व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु योग प्रशिक्षण दिया गया एवं प्रतिदिन योग करने एवं अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। सैयद सलमान हैदर ने बताया कि सामान्य रूप से योग सत्र ओम के उच्चारण से शुरू होता है, लेकिन मदरसे में सभी विद्यार्थी मुसलमान हैं, निर्णय लिया गया योग सत्र की शुरुआत कुरान शरीफ की तिलावत और बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम से होगी। योग किसी खास मजहब से संबंधित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रणाम की मुद्रा बन जाएगी, नमस्कार की, इस प्रकार हाथ जोड़ लेंगे दोनों, ठीक है। जांग पे लगाना है, जांग पे, घुटने पे लगाना है, घुटने पे, जिससे जहां लगाया जा सकता है वो लगाएंगे और रोकने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे से और धीरे से घुटने के बल डाउन हो जाएंगे, डाउन घुटने पे, फिर आप कमर करते हैं सीधी रहेगी घुटने पे, तब खिंचाव पता लगेगा ना आप लोगों को, देखने में लगता है कि बहुत आसान है, पर कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी। फिर धीरे से ऊपर उठी जाएगी घुटने पे बल, नादरी आज पूर्वाभ्यास के तौर पे राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज से दो डॉक्टरान हजरात तशरीफ ले आए और इन्होंने बच्चों के सामने योग किया और बच्चों को कराया, बहुत अच्छा लगा। दवा से ज़्यादा बेहतर तरीका हमें यही समझ में आया कि योग किया जाए, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है और बहुत फ़ायदा है। और आज जो योग की शुरुआत हुई है क़ुरान करीम की मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत से हुई और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने अपनी भरपूर ज़हानत का इजहार करते हुए बच्चों को तालीम दी और उसे सिखाया, बच्चों ने भी फ़ायदा हासिल किया और हमारे स्टाफ ने भी इसका फ़ायदा हासिल किया। और कल जो योग दिवस है 21 जून को, तो इंशाल्लाह सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक हमारे स्टाफ, हमारे बच्चे सब मिल करके योग में शामिल होंगे। मेरा नाम अब्दुल कलीम है, मदरसा अजमिया गाजीपुर शिक्षा का पुल पर मैं टीचर हूँ। मैं आज योग का शुरुआत हुई, हम लोगों ने योग सीखा है, किया भी है, ताज़ा तलबा यहाँ मौजूद थे और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने सिखलाया है और आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि लोग आते रहेंगे और लोगों से सिखलाते रहेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। योग की शुरुआत कुरान करीम की तलावत से हुई है, जिसके तलाश करने वाले कारीगर कईयों साथ थे जो आपके सामने मौजूद हैं, और उसके बाद फिर योग शुरू किया गया और जो टेंडर लोग आए थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, सिखलाया, सारे लोगों ने सीखा है, उसको किया है और उस पर आइंदा भी अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला होम्योपैथों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनके मौजूदगी में सारे काम हुए हैं।